क्रिश्चियन या जैक या टोटो से कुछ कांटेक्ट बना? नहीं अभी नहीं, बट हाँ उनके से उनके फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स म्यूचुअल में होगा शायद। ओ, हाँ, टच है कहीं, आपने हाँ टच कहीं बना दूर हुआ है, से टच। दूर हाँ से हाँ टच है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे साथ हैं साद, जो कि रेस इंजीनियर हैं गल्फ रेडिकल कप में, जो कि दुबई की एक रेसिंग लीग है, वहाँ पे ये रेस इंजीनियर हैं। और आप लोगों ने कितनी बार पूछा भी है कि ड्राइवर की दूसरी साइड जो चीज़ होती हैं वहाँ पे हम लोग कैसे जा सकते हैं। सो इसीलिए आज साद पूरी जर्नी अपनी बताएंगे कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और अभी वो कहाँ पे क्या काम करते हैं और आगे उनके क्या प्लान्स हैं। तो साद, प्लीज़। हाय गाइस, मेरा नाम साद है और करेंटली मैं दुबई में हूँ। जैसा कि अमन भैया ने बताया, गल्फ रेडिकल कप में मैं एक टीम में रेस इंजीनियर हूँ और मैं टीम को ट्रैक साइड सपोर्ट करता हूँ, ड्राइवर्स को सपोर्ट करता हूँ थ्रू आउट द रेस वीकेंड। तो जैसा कि आप लोगों ने भी रेसेस में देखा होगा कि F1 ड्राइवर्स कंटिन्यूसली अपने इंजीनियर से बात करते रहते हैं और उनको फीडबैक देते रहते हैं, तो कैसे उन दोनों की पेयरिंग चलती है और कैसे कम्युनिकेशन से उनकी रेस बेटर होती है, ये एक बहुत लंबी जर्नी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एक क्वेश्चन बचपन की करना बात चाहूँगा यहाँ है। पे हाँ साथ आपसे कि आप रेस इंजीनियर के साथ साथ मैकेनिक भी हैं शायद, रेस मैकेनिक। हाँ मेरे इंजीनियर के हाँ, साथ मैकेनिक भी वो हूँ भी एक पॉइंट यहाँ पे ज़रूर ऐड है, जी, क्योंकि वो तो काफ़ी क्योंकि बार। हाँ एक्चुअली अभी करेंटली मेरा लास्ट सीजन जो था टीम के साथ वो टीम का फर्स्ट सीजन था रेस का, ओके, तो अभी करेंटली टीम में मैं सोल इंजीनियर हूँ, मतलब सारे इंजीनियरिंग ऑपरेशंस वही देखता हूँ और उसके साथ मैकेनिक भी हूँ। बिकॉज मैंने ट्रेनिंग अपनी जो शुरू की थी टीम के साथ वो एज अ मैकेनिक ही की थी, ताकि मैं पूरी कार समझ पाऊँ बेटर और मुझे एक एक चीज़ का मालूम हो। ओके। हाँ सो आप पहले आप अपनी जर्नी स्टार्ट, आपने क्या मतलब इंडिया से कहाँ से स्टार्ट किया है? 10th 12th से स्टार्ट तो कीजिए, 10वीं तक तो सब सेम ही पढ़ते हैं। हाँ हाँ तो शुरुआत ये हुई कि मेरा कभी प्लान नहीं था इतना सीरियसली रेसिंग में घुसने का शुरुआत में बिल्कुल। मैं 10th 12th 11th तक मैं एक्सप्लोर करता रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज देखता रहा। मेरा बहुत एक टाइम पे मन था कि मैं सोलर एनर्जी में घुसूँ। एक दिन ये हुआ कि एक दिन मैं एक किसी यूनिवर्सिटी का सेमिनार देख रहा था ऑनलाइन, जिसमें उन्होंने अपने करिकुलम के बारे में बताया था जो उनका सोलर एनर्जी वाला है, और मैं इतना बोर हुआ कि मास्टर लाइफ में नहीं हुआ था। उस दिन मैंने सोच लिया कि ये तो मैं कर नहीं सकता। फिर मैं अपने फर्स्ट पैशन, मतलब जो डाई हार्ड मेरा पैशन है कार्स, वो उन पे मैं आया। और मेरे पास एक गेम थी एक्सबॉक्स, मेरे मैं तब 7th 8th क्लास में था, फोर्ज़ा मोटर स्पोर्ट। फोर्ज़ा मोटर्स। हाँ तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई एक्चुअली, जहां से मैंने गाड़ी को समझना शुरू किया, पहले नॉर्मल रेसिंग, उसके बाद जब मैं उनके सेटअप में जाके उनकी चीज़ें छेड़ता था तो कार कैसे बिहेव करती थी, वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए इंडिया में, क्योंकि इंडिया में रहता था मैं। तो मणिपाल मिला मुझे, जहाँ पे उन्होंने उनका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसमें उनके कोर्सेज बहुत अच्छे थे जो पढ़ाते हैं वो 4 साल में, तो मैंने मणिपाल ज्वाइन किया। तो मतलब बीटेक में आपने बीटेक बैचलर्स में इन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। हाँ, इंजीनियरिंग शुरू ऑटोमोबाइल की इंजीनियरिंग। या जी। तो उसके बाद क्योंकि फर्स्ट ईयर से मुझे पता था मुझे कहाँ जाना है आगे रेसिंग में, तो मेरा विजन एकदम क्लियर था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सबका ही फर्स्ट ईयर एकदम सेम होता है तो सारे सब्जेक्ट्स बहुत सिमिलर थे, तो मेरे लिए कम रिलेट करना बहुत मुश्किल होता था, तो मेरे स्कोर्स भी इतने अच्छे नहीं आए थे। लेकिन सेकेंड ईयर से जैसे ही मेन स्ट्रीम में घुसे, तब से ही मैंने शुरू से ही प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए अपने कॉलेज में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के। सो तो इसमें मेरे 3 साल, एक चीज जैसे कि कुछ सोसाइटीज भी आपने ज्वाइन की, जैसे बाहा और ये हाँ सब। मैंने हाँ, ये सब होती कॉलेज हैं। ज्वाइन करते सबसे पहले मैंने हाँ अपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ऑटोमोबाइल क्लब ज्वाइन किया जो कॉलेज का हाँ है, इसमें सारे मतलब सब इन्वॉल्व हैं ऑटोमोबाइल से। तो उसी के थ्रू मैंने अपने 4 साल में 3 नेशनल चैंपियनशिप्स की, ओके। एक फर्स्ट मैंने सेकेंड ईयर में पहले FA साइकिल की, जहाँ पे मैंने फैब्रिकेशन और एक्चुअली इंजीनियरिंग समझी हाँ ग्रास रूट लेवल पे, सब कुछ खुद किया, मैंने खुद किया, सारी वेल्डिंग, सारी फैब्रिकेशन, सारी कैलकुलेशंस, सारी इंजीनियरिंग, सारी डिज़ाइनिंग, सब कुछ मैंने अपनी टीम के साथ की। तब मुझे समझ आया कि हाँ कहाँ से शुरू करते हैं, ये सब खुद सीखा हम लोगों ने, हाँ और फैकल्टी का हेल्प था बट
मोस्टली हमने सारा एक्सप्लोर खुद किया। ओके और फिर सेकंड कंपटीशन तो था वो राजस्थान का एक इंट्रा कंपटीशन था जिसमें यूनिवर्सिटीज का एक गो कार्ट चैलेंज हुआ। मतलब उनके जो कॉलेजेस में ऑलरेडी गो कार्ट्स बनी हुई हैं उनको रिस्टोर करके और बेटर करना। तो वो था एक जो मेरे लिए बहुत पर्सनल प्रोजेक्ट था क्योंकि वो एकदम रेसिंग से रिलेटेड था। तो जितनी भी मेरी स्टडी जितनी भी मेरी नॉलेज थी सारी मैंने इनपुट की उसके अंदर और हमारी कार्ट सेकंड आई चैंपियनशिप में। ओके और फिर थर्ड जो थर्ड मेरा मेजर प्रोजेक्ट था वो भी गो कार्ट का था लेकिन वो अब नेशनल कंपटीशन था जिसके लिए मैं और मेरा एक दोस्त हम उसके पिकअप ट्रक में 2500 किलोमीटर कोयम्बटूर गए ड्राइव करके। कहाँ से? दिल्ली से? जयपुर से। जयपुर से, जयपुर से कोयम्बटूर ड्राइव करके गए। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जर्नी थी। वहाँ जाके हमारी कार जो है गो कार्ट जो है वो सेवेंथ आई, रेस में फर्स्ट आई बट क्योंकि कंपटीशन ओवरऑल डिजाइनिंग एंड इवेल्युएशन का था तो हमारे फाइनेंस रिपोर्ट्स कुछ इतनी उनको अच्छी नहीं लगी प्रेजेंटेशन, बट जो हमारी कार की परफॉर्मेंस थी और कुछ निकाल लिया आपने। हाँ, एफआईए का लफड़ा था काफी, माइकल मासी तैयार नहीं था समझने को। उसके बाद मेरी फोर्थ ईयर की लास्ट जो मैंडेटरी इंटर्नशिप होती 6 महीने की, मैं तब मेरी फैमिली शिफ्ट हो चुकी थी ऑलरेडी यहाँ दुबई में और मैंने तब एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने दुबई में बहुत ढूंढा, मैं 6-7 महीने ढूंढता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कोई रेडी नहीं था मुझे वर्क वीज़ा देने के लिए 6 महीने के लिए यहाँ पे। और कोई भी टूरिस्ट वीज़ा पे इंटर्नशिप्स अलाउड वैसे भी नहीं है, उसके लिए वर्क वीज़ा चाहिए होता है। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे वापस इंडिया जाना पड़ा। लकीली मुझे टाटा मोटर्स पर नगर में मिली अपॉर्चुनिटी पावर ट्रेन इंजीनियर एज अ पावर ट्रेन इंजीनियर इंटर्न। तो मैंने टाटा मोटर्स में काम किया वहाँ पे, और क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है ऑटोमोबाइल उसका इंडस्ट्री का, तो मैं गया, मैंने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पूरी एक्सप्लोर की और तब मुझे और रियलाइज हुआ कि मैं नहीं रह सकता मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, मुझे यहाँ से जाना है। तो बस वहाँ से मैंने 4 महीने खुद पढ़ाई की, सारा एक्सप्लोरेशन किया, सारा डेटा मैंने गैदर किया रेलिवेंट, क्योंकि मुझे पता था दुबई आके मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी ही थी। मैंने इसको ऐसे दिखा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जाना ही है रेसिंग में और मैं कहीं नहीं रह सकता। और तो आप डायरेक्ट फिर यहाँ आ गए दुबई? तो बस मेरी इंटर्नशिप जैसी ख़त्म हुई मैं फैमिली के पास दुबई आ गया। और उसके आते ही मैंने, क्योंकि मैं एक्सप्लोर करना शुरू कर रहा था दोबारा जो कि मैंने 6-7 महीने पहले भी किया था इंटर्नशिप से अपनी, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, तो इस बार भी मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी लेकिन मुझे पता था कुछ ना कुछ चांस मिलेगा। तो रैंडमली एक दिन मैं रेडिकल कार्स के बारे में क्योंकि पढ़ रहा था और पहले से, तो मैंने देखा इनकी चैंपियनशिप्स कहाँ कहाँ होती है वर्ल्ड वाइड, तो इनके पूरे अलग अलग रीजन्स हैं, अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका पूरा एक रीजन है उनका, एशिया पूरा एक रीजन है, गल्फ पूरा एक रीजन है, ऑस्ट्रेलिया पूरा एक रीजन है, न्यूजीलैंड पूरा एक रीजन है, तो इनकी रीजनल चैंपियनशिप्स होती हैं। तो मैंने गल्फ वाली देखी और लकीली उसका जो मेन सेंटर है वो दुबई था। तो तब मैं आया यहाँ, मैंने उनकी वेबसाइट खोली और मैं उनके कॉन्टैक्ट अस पे गया। मैं एकदम हेल्पलेस फील कर रहा था कि मुझे लग ही नहीं था कोई चांस है, बट फिर भी मैंने अपने एंड से उनको एक प्रॉपर ईमेल लिख दिया कि ये सिचुएशन है, मैं आया हूँ अभी पढ़ के और मुझे मोटर स्पोर्ट में ये जाना है और आगे मेरा इसी में फ्यूचर में देखता हूँ, आगे मुझे मास्टर्स भी अपना करना है इसी मोटर स्पोर्ट इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए मुझे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए जो कि बहुत नेसेसरी है जो आगे मेरी हेल्प करेगा। आप यकीन मानिए 3 घंटे के अंदर मेरा एक टीम मैनेजर के पास से मैसेज आया, उसने पूछा कब ज्वाइन कर सकते हो। मैं अगले दिन से चला गया, डायरेक्ट मैं अगले दिन से चला गया, मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। वाह, मतलब ऐसा कुछ एकदम आउट ऑफ द ब्लू स्पॉन्टेनियस। ओके, फिर उन्होंने बाद में बताया मुझे कि ऐसी जो छोटी चैंपियनशिप्स होती है ना प्रोफेशनल रेसिंग में, जहाँ जिसको जो लोगों को ज्यादा पता नहीं होती है वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो लोगों को ढूंढते रहते हैं। तो मेरा ये सबसे ही सजेशन है कि जितनी भी चैंपियनशिप्स के क्रॉस आप लोग आए जो बहुत छोटी मोटी भी हो, अगर आपको लगे कि आप उसमें काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली रीच आउट करिए उनको, एक बार पता आपके लिए स्पॉट लीग में घुसिए तो उस जगह पे। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो आप जब तक घुसेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका चांस है कि नहीं। तो रीच आउट करना, कॉन्टैक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। अगर आपके कॉन्टैक्ट नहीं है, आप रीच आउट नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्रिश्चियन या जैक या टोटो से कुछ कॉन्टैक्ट बना?
नहीं अभी नहीं, बट हाँ ओके उनके से उनके फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स म्यूचुअल में होगा शायद। हाँ मतलब टच है कहीं, आपने टच कहीं बना दूर हुआ से है, टच। दूर हाँ से हाँ टच है तो तो। थोड़ा आपको मैं उस बारे में बताना चाहूँगा, अपने मैनेजर के बारे में जिसने मुझे हायर किया। वो एक ब्रिटिश नेशनल है यहाँ पे, जो कि एक प्रोफेशनल रेसर है, अच्छा और ये भी उसका सपना था कि वो अपनी टीम शुरू करे। तो लास्ट सीज़न उसकी टीम का भी पहला सीज़न था। वो यूके में रहता था पहले बचपन से, उसके पापा भी मैकेनिक्स हैं मतलब अभी भी, और उसने भी रेसिंग शुरू की थी अपनी 9-10 साल की एज से। वो जो है वो ब्रिटिश F3000 के लेवल तक पहुँचे अच्छा चैम्पियनशिप रेसिंग में। उन्होंने जो वर्ल्ड एंड्योरेंस चैम्पियनशिप्स होती हैं वो सब जिसमें की। 12-12 घंटे 24-24 घंटे की रेस होती है, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो उनके बहुत ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट्स हैं, और अभी इस साल ही रेडिकल कंप्लीट हुआ है, और ऑलरेडी वो ढूंढ रहे हैं अगले साल की कोई F4 की कार भी मिले ताकि हम रन कर सकें उसको F4 में भी। तो आप मतलब एफ में पहुंच रहे हैं, हाँ आप अगर मैं एफ की यहाँ ओर। रहूँ तो, हाँ बट सो अनफॉर्चुनेटली मेरे प्लान्स और हैं आगे हाँ, तो जाने के। वही मैं तो पूछने जाता, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही था कि आगे आपका क्या प्लान है। मतलब आपने एक रेसिंग चैंपियनशिप में 2 साल लगभग बिता लिए हैं, हाँ हाँ, तो आगे आप क्या क्या सोच रहे हैं? मतलब फाइनल गोल क्या है पहले बताइए आप। आगे फाइनल गोल तो आगे मैंने फाइनल गोल ये है कि मेरी एक अपनी रेसिंग टीम हो ओके। डेफिनेटली, जिसमें मैं प्राउडली इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं और सबको ये दिखा सकूं इंडिया में हाँ कि हाँ हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, ऑफ इतना कोर्स। मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इस लेवल तक आना चाहते हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ क्या बात, इस लेवल तक पहुँचने में, हाँ थोड़ा रास्ता चाहे आसान एक ही खुले। जरिया है। हाँ क्योंकि ऐसा मैंने देखा है बहुत, मैंने बहुत रेसिंग रेसिंग प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की लिंक्डइन पे, जो इंडियंस हैं जो बहुत बहुत अच्छे अच्छे रेसिंग टीम्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एकदम हेल्पलेस ब्लाइंड फील आए करते हैं। हैं। हाँ एकदम, मतलब आप उनको जितना अप्रोच करने की कोशिश करिए, बात करने की कोशिश करिए, वो एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करते, ऐसे वो यहाँ के है ही नहीं। ओके। बहुत कोशिश की है मैंने, यकीन करिए। तो मैंने सोच लिया कि यही एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मुझे जाना है आगे, ओके। ताकि जब लोगों को ज़रूरत पड़े उनको इस फील्ड में घुसना हो, उन स्टूडेंट्स को, तो उनके पास एक सहारा हो, एक कॉन्टैक्ट हो। ये बड़ी ये बात है। है। हाँ हाँ सो यहाँ से तो आपका नेक्स्ट क्या गोल है? नेक्स्ट ये है कि अब मैं यूके जाऊंगा मोटरस्पोर्ट इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए, अपनी मास्टर्स, मास्टर्स जो कि 1 साल का कोर्स है। और मैंने यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर की काफ़ी सब, आप यकीन मानिए दुनिया में अगर 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं मोटरस्पोर्ट इंजीनियरिंग की, तो 7 यूके में है। लाइक टीम्स। हाँ हाँ मतलब नहीं, यूनिवर्सिटीज़ जो ये कोर्स ऑफर करती हाँ हैं, हाँ नहीं, जैसे तो F1 और टीम्स कोई पॉइंट नहीं है। मेजरली हाँ सब यूके मेजरली बेस्ड एफ है, सब, सात क्योंकि दस में यूके ही से। जो है वो बर्स है मोटरस्पोर्ट का, हाँ तो इसलिए सबसे बेस्ट जगह वही है अगर वही किसी को है। परस्यू करना है आगे मोटरस्पोर्ट। ओके तो मेरा आगे, मैं आगे जाऊंगा, मास्टर्स करूंगा, एंड देन मैं अपॉर्चुनिटीज हंट करूंगा। कि हाँ मोस्ट प्रॉबली मैं कोशिश करूंगा कि मेरा प्रीमा में हो जाए एज हाँ एन जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, वहां से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये, हाँ ये बहुत बड़ी तो बात है। मैं F3 F4 की कोशिश करूंगा पहुंचने की, कि वो टीम्स मुझे अब्सॉर्ब करें, वहाँ मैं सीख सकता हूँ बहुत ज़्यादा, एंड वहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर इसमें जो सबसे मेन सवाल आता है लोगों का कि क्या, जैसे आपका तो बीटेक यहीं से है, फिर दुबई जाके, हाँ हाँ अब वो जो हम लोग F1 में ड्राइवर में जाना है कि बहुत कॉस्टली है, स्पॉन्सर हाँ ढूंढने सब है ये है, तो रेस इंजीनियर के लिए तो ऑफकोर्स उतना कॉस्टली तो नहीं ही है। कॉस्टली नहीं है लेकिन बहुत ही हार्ड हाँ और टफ प्रोसेस हार्ड, है। तो वही मैंने कहा ना, हाँ कि लक भी है कि आप कहाँ क्या जाना हाँ चाहते हैं। कितनी इनकम होती है मतलब रेस इंजीनियर की टॉप लेवल पे और ऐसे ग्राउंड लेवल पे ऐसे स्टार्ट करने में तो? ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी सैलरी शुरू हुई थी 40,000 INR से, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं। हाँ तो शुरू में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत ऑफ करिए एज कोर्स। अ रेस हाँ इंजीनियर, आपको बढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैकेनिक लेवल पे हर चीज़ आनी चाहिए। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जिसको पूरी गाड़ी मालूम होती है।
पूरी मैकेनिक्स मालूम होती है उसकी, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे रेसेस में। तो स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, इसमें एक बहुत स्ट्रेट ग्रोथ लाइन है, प्रॉपर एकदम स्टेडी। आप जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, और टॉप लेवल पे जाने पे तो मेरे ख्याल से आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, और उनकी फैमिली को, और उनकी फैमिली को, काफ़ी ज़्यादा। हाँ काफी ज्यादा। हाँ ये सही चीज़ है। ये जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी इनसाइट दी, और आगे भी आपसे हम कई सवाल करेंगे कई वीडियो में। हमारे साथ अब साथ भी रहेंगे हमारे ऑफिशियल F1 पंडित के रेस इंजीनियर, और इनसे हम आगे भी आप क्या जानना चाहते हैं, मतलब किस तरीके के आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, उस पे हम लोग स्पेसिफिक वीडियोस भी लाएंगे आगे। साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया अपना, और नेक्स्ट आप लोग का टाइम भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया और एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं शेयर कर सकूं अपनी चीजें। लेकिन साथ आपने आए ये सबसे बड़ी बात थी जैसे हम लोग भी ढूंढते हैं तो हम लोग भी बहुत लोग को ढूंढते हैं, नो बडी रेस्पॉन्स कि अच्छा कौन है, कोई भी नाम F1 रख के आ गया है पूछ लो। हाँ हाँ तो ये ये बात होती है ना कि हाँ जब तक आप उस लेवल पे नहीं आते तो आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करता, ये हर जगह है। हाँ तो अगली बार से हम आपसे कुछ स्पेसिफिक जानना चाहेंगे, और कुछ जो हमारे बिल्कुल व्यूअर्स के क्वेश्चंस होंगे उस पर हम अच्छे से बिल्कुल वीडियो बात करेंगे, अच्छे से वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। साथ का बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार चलिए बाय। बाय बाय।